अब आलू डालेंगे। अच्छा, समोसा डालेंगे, इसी मिक्स करेंगे। 10 रुपये ही रेट है इसका भी? इसका भी 10 ही का रेट है यार, बड़ा रीजनेबल प्राइस आप है। ये मीठा चटनी हो गया, ये दही हो गया। अच्छा, इसीलिए इसको दही पूरी बोला जाता है। इसको दही पूरी बोला जाता है। अच्छा, ये सेव डाल देंगे इसमें। पानी पूरी का पानी नहीं डालते? नहीं, इसमें पानी नहीं। तेल, तेल हो गया सबसे पहले, उसके बाद जीरा, जीरा आ गया, लहसुन हो गया, प्याज और मिर्चा एक साथ में हो गया। अच्छा, और ये कम से कम कितनी प्लेट के लिए चाट तैयार हो रही है? 15 प्लेट के लिए। टमाटर काटेंगे? ये सब बिल्कुल हाथों हाथ काटते हैं टमाटर? सब हाथों हाथ काटते हैं। अच्छा, इतना मोटा मोटा काट रहे, गल जाएगा? सब गल जाएगा। अच्छा, 2 मिनट लगेगा गलने में। नमक डालेंगे, मसाले बताते रहना है? नमक डालेंगे, जीरा पाउडर, ओके, चाट मसाला, चाट मसाला, चटकी मसाला, कौन सा मसाला? चटकी, चटकी, चटकी। अच्छा, बढ़ाएंगे गरम मसाला। अच्छा, इमली पानी, इमली का पानी? हाँ। अरे वाह, अब आइए खुशबू मसाले डालने के बाद। सब मसाला पड़ेगा तभी खुशबू आएगा। हाँ, इसका स्वाद ही कुछ अलग होगा। बहुत चाट लोग बनाते हैं, सबसे अलग इसका स्वाद ही होगा। हाँ, डालते हैं सबको यही आइटम, अगर उनको पता नहीं है कैसा पड़ेगा। अब आलू डालेंगे। अच्छा, समोसा डालेंगे, इसी मिक्स करेंगे। अच्छा, ये 10-15 प्लेट के लिए 5-6 समोसे। हाँ, और आलू अपने 4-5 दिखे? 4-5 आलू हो गया, 4-5 समोसा हो गया। अपने स्टॉल को कितना टाइम हो गया यहाँ पे लगाते हुए? हो गया 6 साल हो गया। अच्छा, ये समोसे का चाट जो है, ये इसका आइडिया आपको कहाँ से आया? नॉर्मल जो चाट जो हमने नॉर्मल जैसे बनाते हैं, हम पहले घर पे ट्राई करते हैं खाने के, कोई सा भी चीज़। अच्छा, कोई सा भी आइटम हुआ। तो ये आपने कहीं से सीखा था या फिर अपने नहीं खुद लगाए थे? अपने बुद्धि खुद लगाए थे। अच्छा, अब ये क्या है? मटर है, छोले, छोले डालेंगे। अच्छा, छोले, मटर वाले छोले। हाँ, वाह भाई वाह, इसमें कलर डालने का पूरा है? कलर रहेगा ना। इमली के पानी डालेंगे। पानी पहले भी डाला था? हाँ, पहले उसको गलाने के लिए डाले थे, अब इसको मिलाने के लिए डालेंगे। अच्छा, और अपने चाट का रेट क्या होने वाला है? 10 से स्टार्ट है। 10 से स्टार्ट। 10 रुपये चाट खिला देते हैं समोसा का? 10, सब मिक्स 10 रुपये खिलाते हैं। अच्छा, कोई वैसे अगर नॉर्मल सिंगल समोसा अगर मांगे तो वो भी दे देते हैं? वो भी बन जाता है, दे देते हैं उसको भी। अच्छा, वो किसके साथ देते हैं? चटनी के साथ या कैसे? मीठा चटनी के साथ। मीठी चटनी के साथ। और इसके अलावा अपने पास चाट के अलावा और क्या क्या होता है? चाट है, गुपचुप है, दही पूरी है, सेव पूरी है। दही पूरी, सेव पूरी। हाँ, मोमो सब बनाते हैं। फिलहाल गर्मी की वजह से थोड़ा बंद किया है। मीठा पूरी है, पानी पूरी है। और सबका रेट अलग अलग है? सबका रेट अलग अलग है। और ये चाट अपना रेडी है? रेडी हो गया। अच्छा, आपकी शॉप की टाइमिंग क्या है? टाइमिंग तो अभी फिलहाल ठंडी के 11-12 का बीच से निकलते हैं। अच्छा, और गर्मी आ गया तो दोपहर 3 से शाम को 8 बजे तक। यार, 10 रुपये में समोसा चाट मिल रहा है, और क्या चाहिए लोगों को? सब मिक्स बनाते हैं सब, मारे सबके पास पैसा नहीं है ना। हाँ, पैकिंग है 20 रुपये वाला, 20 रुपये की पैकिंग है। और 10 रुपये खिलाते हैं? 10 का खिलाते हैं, वो दूसरा प्लेट है। अच्छा, और ये चाट रेडी है? चाट रेडी हो गया। 20 दही मीठा, और ये आ गया इसमें मीठा हो गया, मीठी चटनी आ गई, दही आ गया, ये आ गई दही, ये कचौड़ी आ गया, ये आ गया कचौड़ी। चाट के ऊपर अलग से कचौड़ी भी डालते हैं? हाँ, सेव नमकीन हो गया, ये सेव नमकीन हो गया। तो भाई, ये भैया यहाँ पे चाट लगवा रहे थे और हमारे सब्सक्राइबर है, आते ही इन्होंने टोक दिया, तो इनसे जरा एक बार इनके चाट के बारे में जानते हैं। तो क्या नाम है आपका, नाम जानना चाहूँगा? मेरा नाम अभिषेक द्विवेदी है। अच्छा, यहाँ की चाट कैसी, मतलब कैसी लगती है आपको? यहाँ की चाट पूरा विजयपुर ब्लॉक में फेमस है। अच्छा, यहाँ से, यहाँ पे बहुत दूर दूर के लोग आते हैं चाट खाने। अच्छा, अरे दूर दूर का भैया का साटा भी चलता है चाट का। अच्छा, लगन के टाइम, लगन के टाइम वगैरह। अच्छा, ये साटा यहाँ बोला जाता है, जैसे बुकिंग को, बुकिंग होता है साटे में, तो बुकिंग भी इनसे करवाते हैं चाट के। भैया फेमस है यहाँ के। अच्छा, भोला शंकर चाट वाले। कितनी बार चाट खा लेते हैं हफ्ते में? भैया हम डेली आते हैं। आप डेली आते हैं? डेली, टू टाइम डेली आते हैं। डेली के कस्टमर है हम भैया, डेली के कस्टमर है, कोई दिन नहीं छूटता। नहीं, एक भी दिन बिना खाए हम घर जाते ही नहीं है, बिना खाए। अरे बाप रे, चलिए भैया, अरे भैया आपसे मुलाकात हो गई है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और भाई, इधर चाट बन के रेडी हुआ है और आप लोग जो भीड़ देख सकते हैं किस तरीके से लोगों ने लगा ली है, और कुछ लोग जो इधर खड़े हो खा रहे हैं और उधर भी खा रहे हैं। और चाट तैयार हो गया है, और चाट से ही दही पूरी, सेव पूरी, पानी पूरी सब बनता है। तो ये क्या लगा रहे हैं? ये दही पूरी लगा, दही पूरी है। बताते रहिए इसमें क्या क्या डालेंगे। इसमें चाट डालेंगे, चाट आ गया, और इसका क्या रेट है?
₹10 ही रेट है इसका भी। ₹10 ही रेट है इसका भी? इसका भी 10 का रेट है। अरे यार बड़ा रीजनेबल प्राइस है आपका। ये मीठा चटनी हो गया, ये दही हो गया। अच्छा, इसीलिए इसको दही पूरी बोला जाता है। इसको दही पूरी बोला जाता है। अच्छा, ये सेव डाल देंगे। इसमें पानी पूरी का पानी नहीं डालते? नहीं, इसमें पानी नहीं पड़ता है, बिल्कुल सूखा है। बिल्कुल सूखा है। प्याज मिर्चा धनिया हो गया। अच्छा, तैयार हो गया। अरे वाह वाह। चलिए अब जरा ये आ गया भाई साहब के लिए, इनसे जरा टेस्ट पूछते हैं। सर क्या नाम है आपका? लाल बच्चन कुशवाहा। लाल बच्चन कुशवाहा, ठीक है। तो आपने दही पूरी लगवाया, इसका टेस्ट कैसा है यहाँ पे? बहुत अच्छा है। बहुत दिन से खाते हैं हम लोग, तो उस मोड़ से यहाँ चले आते हैं खाने के लिए। अच्छा, नहीं तो बहुत यार ठेला लगता है। बहुत ठेला लगता है, लेकिन खाना इनका ही है। खाना इन्हीं के पास आते हैं हम लोग। भोला जी का चाट ही खाना है। अच्छा, तो ये हमारे लिए लगा रहे हैं, किसके लगा रहे हैं? आपके लिए। हाँ तो हमारे लिए लगाइए यार, आप कस्टमर जो है लिए जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो दोबारा बनने के लिए हम खड़े हो। ये आ गई मीठी चटनी और ये दही आ गई, सेव आ गया। ये बहुत बढ़िया किया यार आपने, हमारे पत्ते वाले में लगाया है। और इससे पहले क्या डाला था आपने? वही कचौड़ी। हाँ, कचौड़ी डाली। और ये प्याज, प्याज मिर्च और धनिया। हाँ ठीक है, तो चलिए गाइस जब इसको टेस्ट करते हैं फिर आपको बताते हैं। भाई साहब दूसरी बाइट में फिर से लूँगा। तो फाइनली गाइस इसका टेस्ट जो है ना भाई साहब सुपर से भी ऊपर, यार गजब का टेस्ट आ रहा है। पहली बात तो ये कि इन्होंने जो ऊपर से ना मीठी चटनी और दही की जो खटास डाली है ना, खट्टा मीठा, तो भाई साहब बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है। उससे भी बड़ी खासियत इसकी ये है कि इन्होंने जो समोसा डाला है इसके अंदर, और समोसा डाल के जो मसालों के साथ जो आलू के चाट की जो मिक्सिंग की ना भाई साहब, उसका टेस्ट गजब का आ रहा है। और जो सेव नमकीन जो होती है वो भाई साहब वो कुरकुरे का काम कर रहा है। तो भाई साहब इनका चाट जो है ना सुपर से ऊपर इसका टेस्ट है। तो चलिए अब मैं इसको फिनिश करता हूँ और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और आपकी शॉप पे कोई आएगा तो कैसे आएगा? मेन रोड विजयपुर, थाना विजयपुर, जिला गोपालगंज, बिहार, पोस्ट विजयपुर, थाना। अच्छा, और पिन कोड? 84-15-08। ठीक है।